मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और अभी है सुबह के 10:30 का टाइम, और जैसा कि आपने वीडियो में पहले देख लिया है कि मैं किचन का थोड़ा बहुत काम निपटा चुकी हूँ। बर्तन वर्तन मैंने धो लिए थे पहले ही, और मैंने उबलने रख रखे हैं अभी आलू गैस पर, मैंने दिखाया जैसे आपको। तो आज मुझे बनाने हैं समोसे, और काफ़ी दिन से हुनर बोल रही थी कि मुझे समोसे खाने हैं, समोसे खाने हैं। तो आज फाइनली मैं समोसे बनाने जा रही हूँ, क्योंकि बाहर तो अभी कुछ मिल नहीं सकता, तो इसीलिए घर पर ही उसकी डिमांड आज पूरी की जाएगी। और अभी मैं नहा धोकर हो रही हूँ रेडी, और ये नहाने के बाद ना मैं पैरों में लगाती हूँ क्रीम, जिससे कि मेरे पैर हमेशा साफ़ सुथरे बने रहते हैं। और जो सीज़न चेंज होता है ना, जब मैक्सिमम लोगों के पैर फटते हैं या फिर सर्दियों में फटते हैं, तो मैंने ये एक क्रीम बनाई थी, दवाई मतलब मैंने एक बनाई थी, और इसका वीडियो मैं लगभग 6 महीने पहले डाल चुकी हूँ अपने इसी चैनल पर। तो अगर आपने वो नहीं देखी हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये दवाई मतलब बहुत अच्छी है, जिन लोगों की हमेशा इडियाँ फटती हैं या जिनको सीज़न चेंज में दिक्कत रहती है कि इडियाँ फटती हैं, किसी की धूप में या कभी गीले पैर होने की वजह से बार बार फटती हैं, जो लोग काम ज़्यादा करते हैं बाहर का, तो उनकी इडियाँ जनरली फट जाती हैं। तो आप भी एक बार ये दवाई ट्राई कीजिए जिनको अगर इस टाइप की दिक्कत है। और मैं नहाते इसको लगा लेती हूँ, और कुछ देर के लिए मैं फिर पहन लेती हूँ सॉक्स, ताकि जो हमारी हील्स हैं वो प्रॉपर दवाई को सोक कर लें, और थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए, प्रॉपर मॉइस्चर उनमें बना रहे। तो अभी बाहर तो जाना है नहीं, तो हम घर पर ही ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी है, बाहर जाने में तो मे बी किसी को दिक्कत हो कि भाई सॉक्स नहीं पहननी है, तो या फिर जो हमारी आती हैं स्टॉकिंग्स टाइप की, मतलब स्किन कलर की, वो अगर हमें बाहर जाना है तो वो भी हम पहन सकते हैं। तो चलिए, दवाई मेरी लग चुकी है, अब चलते हैं हम किचन में।
तो किचन में जैसा कि मैंने बताया आपको बनाने हैं समोसे, तो अभी मैं चेक करूंगी अपने आलू कि आलू पूरी तरह से पके हैं कि नहीं, और फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना हमारे समोसे। तो ये मैंने कुछ मैदा मंगा रखी थी और मैं आपको अब क्वांटिटी बताऊंगी कि हम कितना मैदा लेंगे। जितने आपको समोसे बनाने हैं उतनी टीस्पून आप मैदा ले लीजिए ऐसे काउंट कर करके, और जो स्पून है वो थोड़ा सा अच्छे भरी हुई हो, मतलब ऊपर तक, ऐसा ना हो कि ज़रा ज़रा सा डाल दे और फिर आप लोग बोले कि आपने इतनी ही क्वांटिटी बताई थी, मतलब अच्छे से भरी हुई टीस्पून हो। जितने काउंटिंग में आपको समोसे चाहिए उतने टीस्पून आप भर के मैदा की डाल लीजिए। उसके बाद हमें इसमें डालना है नमक और अजवाइन, और 4 चम्मच मैंने इसमें डालना है ऑयल, मतलब कोई भी कुकिंग ऑयल जिसमें आपको समोसे बनाने हैं, या इसमें आप घी भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डालेंगे तो भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये मैंने 4 चम्मच डाला है ऑयल, और लगभग 12 चम्मच के आसपास मैंने डाला था इसमें मैदा। तो आप क्वांटिटी समझ गए होंगे इसकी कि कितनी हमें लेनी है, मतलब जितनी आप मैदा लेंगे उसके लगभग 1/4 हमें लेना है कुकिंग ऑयल। और इसको बगैर पानी डाले ऐसे ही हाथ से मसलते हुए हमें ऑयल को और आटे को कर देना है मिक्स अच्छे से, मतलब ये जो आटा है ये हल्का चिकना सा हो जाए। और मैं बताऊंगी कि मतलब कब तक आपको ऐसा करना है, मतलब हमें इसकी ऐसे मुट्ठी बना के देखनी है कि भाई ऐसे अगर हम इसको इकट्ठा करें तो ये कुछ सेकंड के लिए ऐसे जुड़ जाए। और अब मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून अजवाइन, तो अजवाइन आप कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और ये 1/2 टीस्पून मैंने डाल दिया है इसमें नमक, नमक भी स्वाद के अनुसार जिसको जितना पसंद है उतना आप डाल लीजिए, और इन तीनों चीज़ों को कर लीजिए अच्छे से मिक्स। उसके बाद आपने लेना है ठंडा पानी, कुछ लोग बोलते हैं गर्म पानी, बट नहीं, ठंडा पानी। इससे बहुत अच्छे खस्ता समोसे हमारे बनेंगे, एकदम क्रिस्पी। तो थोड़ा थोड़ा डाल के हमें उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, गूंदते जाना है। एक बार में हमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, और जो आटा लगाना है वो हमें बहुत टाइट लगाना है, मतलब जैसे हम कचौड़ी का या पूड़ी वगैरह का बनाते हैं ऐसे टाइट हमें आटा इसका चाहिए, नरम आटा बिल्कुल नहीं लगाना है। और वो ऐसे ही धीरे धीरे पानी डालने से बनेगा, थोड़ा सा पानी डालिए उसको, फिर आप अच्छे से मिक्स कीजिए, फिर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा पानी फिर से डाल लीजिए। तो मतलब इस पूरी क्वांटिटी में मेरा 1/4 गिलास पानी का लगा था। तो ये हमारा डो जो है समोसे के लिए हो गया है रेडी, और ये देखिए अभी टाइट है पूरा। तो मैं अब इसको लगभग 1/2 घंटे के लिए रख दूंगी एक तरफ साइड में, और जब तक हम अपना आलू की जो स्टफिंग है उसको कर लेंगे रेडी। तो ये मैं इसको अब थोड़ी देर के लिए ढक के एक तरफ रख दूंगी। ये मैंने कुछ किशमिश भिगो रखी हैं, अभी थोड़ी देर पहले भिगोई थी, और ये मैं कुछ काजू अभी काट रही हूँ, 1 काजू के 3 पीस मैं कर लूँगी, और इनको हम स्टफिंग में ही डालेंगे। आज हमारे जो समोसे हैं वो बिल्कुल हलवाई स्टाइल स्वादिष्ट समोसे बनने वाले हैं, मतलब मैंने सोनीपत के भी समोसे खाए हुए हैं, रोहतक के, सोम के भी समोसे खाए हैं, बट बिल्कुल ये आज मेरे समोसे उनकी टक्कर के बनने वाले हैं। हमारे हॉस्टल में एक भैया थे, बहुत अच्छे समोसे वो बनाते थे, मतलब दूर दूर तक उनके समोसे फेमस थे, और ऐसे ही रोहतक के भी समोसे फेमस है। तो ये जो आज समोसे बनने वाले हैं बिल्कुल इनका टेस्ट ना हाई क्लास आने वाला है, मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा देखने में और खाने में कि ये घर के बने हुए हैं। तो काजू को मैंने इस तरह से बीच में से भी अलग कर लिया है, और 2-3 पीसेस आपको जितना बड़ा साइज चाहिए उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और ये 2-4 काजू मैंने अलग निकाल दिए थे, बच्चों को थोड़ा ये था कि मुंह में आए तो कभी वो ना खाएं। तो मेरी कुछ भी कुकिंग होती है तो माइंड में हमेशा बच्चे ज़रूर रहते हैं कि भाई जो भी काम करूँ, जो भी बनाऊँ, वो
ऐसा हो कि भाई बच्चे खुश होके खा ले बस, मतलब मेरी मेहनत तब सफल होगी कि बच्चे खुश होके खा ले। तो अब मैंने ये फ्राई पैन लिया है, एक मैंने ले ली है कढ़ाई, तो साथ साथ मैं कढ़ाई में अब कुकिंग ऑयल जिसमें हमें करने हैं समोसे फ्राई वो मैं डाल दूँगी साथ साथ। और जब तक अभी वो कढ़ाई थोड़ा गीली थी तो जब तक वो गर्म होगी तब तक मैंने फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल डाल लिया है कुकिंग के लिए। और ये जो डो है बीच में भी मैंने इसको थोड़ा सा चेक कर लिया कि ये ठीक से है कि नहीं, और हल्का चिकना हाथ लगा के मैंने उसको फिर से थोड़ा सा सेट करके साइड में रख दिया है। और ये आलू मैंने बॉईल कर ही लिए थे, उनको मैंने छील लिया है और अब उनको हम हाथ से ही हल्का हल्का कर लेंगे मैश। मतलब बिल्कुल इतना भी मैश नहीं करना जितना हम जो पराठे बनाते हैं उसके लिए करते हैं, बट हाँ अच्छे से इनको तोड़ लीजिए आप हाथों से ही। और फिर जब हमारा ये तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम इसमें क्या क्या मसाले डालने वाले हैं। ज़्यादा मसालों का मैं यूज़ नहीं करूंगी क्योंकि फिर वो ना मिली जुली सी खुशबू आती है और मतलब टेस्ट भी फिर वो इस टाइप का ही हो जाता है, तो इसलिए हम लिमिटेड से ही मसाले डालेंगे। और ये मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है ताकि साथ साथ हमारे कढ़ाई का भी तेल गर्म हो जाए, और क्योंकि ज़्यादा मैंने डाला है तो वो स्लो गैस पर रख दिया, धीरे धीरे अपना होता रहेगा। तो बस ये तेल मेरा हो गया है गरम, अब मैं इसमें डालूंगी जीरा। जितना सब्जी में डालते उसी अकॉर्डिंग आलू के हिसाब से अपना जीरा डाल लीजिए। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जीरा। और अब मैं इसमें जो स्पेशल चीज़ है इसकी टेस्ट बढ़ाने वाली, जो मतलब स्पेशली हमारे कैंटीन वाले भैया डालते थे, मैंने स्पेशली उनसे पूछा था कि भाई आपके समोसे इतने अच्छे कैसे होते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था कि मैं डालता हूँ इसमें अनारदाना। तो आज के समोसे की ख़ास बात बस यही होने वाली है, इससे इसका टेस्ट हलवाई जैसा आने वाला है। हम हल्का सा काजू और अपनी किशमिश को भी इसी में थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए, और इसमें नमक डाल लेते हैं हम। और साथ साथ मैं अभी डाल दूँगी अपने अनारदाने को भी इसमें, तो ये ही हमारे समोसे का टेस्ट बढ़ाएगा। और ये लगभग 1.5 स्पून मैंने इसमें डाला है, तो आप ये देख लीजिए हमारे जो हो चुके हैं काजू वगैरह रोस्ट, और ये मैंने डाल ली है इसमें किशमिश। तो बस इसमें मैं धनिया पाउडर, और चाहें तो आप गरम मसाला और डाल सकते हैं। तो ये मैंने आलू इसमें कर दिए हैं मिक्स। अब इसमें आप हल्दी भी डाल सकते हैं बट मैं नहीं डालने वाली हूँ, कुछ लोग डाल लेते हैं तो अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी कि इसमें हल्दी की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे समोसे में। तो ये मेरा है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर हम इसमें ज़रूर डालेंगे। उसके अलावा मैंने काली मिर्च ये वो कुछ नहीं डाला है, हल्की सी बस लाल मिर्च डालूँगी। मतलब आप चाहें तीखे बनाना तो तेज कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल ज़रा सी डाली है ताकि बच्चे भी आराम से खा लें, नहीं तो फिर वो नखरे करते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा मिर्च है। तो थोड़ी सी तो मैं टेस्ट के लिए डाल देती हूँ, इतना को उनको आदत है खाने की तो वो खा लेते हैं। बस इस सारे मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसी में, और फिर हम अपने इस डो को फिर से कर लेंगे रेडी। तो इसको थोड़ी देर हाथों से ऐसे ही मसल के हम ठीक कर लेंगे। ऐसे ही हाथों से मसलते हुए हम इसको ऐसे लंबा लंबा गोल गोल फैला लेंगे जैसे हम पूड़ी के आटे को करते हैं लोई तोड़ने के लिए। तो हम इसको अच्छे से मसल के जब हमें लगे कि भाई हाँ ये पूरा सेट हो गया है, प्लेन हो गया है सारा आटा, तो उसके बाद हम इसको ऐसे लंबा कर लेंगे और इसमें से हम तोड़ लेंगे अपनी लोइयाँ। जितनी मतलब एक नॉर्मल रोटी बनाने के लिए हमें आटा चाहिए होता है उतनी उतनी हम इसमें से लोइयाँ तोड़ लेंगे, और एक लोई में से हमारे बनेंगे 2 समोसे। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान रखनी है कि लोई उतनी हो कि वो प्रॉपर मतलब लंबा हो जाए, यानी कि बेलन से जब हम उसको फैलाएँ तो वो अच्छे से जो है बेला जाए, क्योंकि जो सूजी है वो बेलते बेलते भी ना इकट्ठी हो जाती है। तो ये एक मैंने समोसा बना के ट्राई किया है, और इसको मैं अब तेल में डालकर देखूंगी कि तेल हमारा रेडी हुआ है कि नहीं, फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी दिखाऊंगी कि हमने ये समोसे कैसे रेडी किए हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि
तेल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है समोसे बनाने के लिए, नहीं तो समोसे क्या है बाहर से बहुत ज़्यादा जल जाएंगे और अंदर से रह जाएंगे कच्चे। तो अब मैं इस लोई को फैला रही हूँ और मैंने इस पे पहले लगाया है तेल, चिकनाई के लिए हम इस पे पहले लगाएंगे तेल ताकि ये अच्छे से बेला जाए इजीली और चिपके भी ना जिस भी चीज़ पर आप फैलाएंगे इसको। और जब भी उठाएंगे ना आप, इसका हर बार साइज़ छोटा हो जाता था तो आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको फैलाना पड़ेगा। तो ये एक समोसा मैं डाल के अभी बीच में देख लेती हूँ कि हमारे हुए हैं कि नहीं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि तेल गर्म है कि नहीं, पहले हम समोसा डालेंगे। अगर एकदम से समोसा ऊपर फूल कर आ जाता है तो इट मीन्स तेल है बहुत ज़्यादा गर्म, जो कि समोसे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। और अगर धीरे धीरे करके समोसा ऊपर आता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो तेल है वो बिल्कुल परफेक्ट गर्म है समोसे पकने के लिए। तो ये मैंने 5-6 समोसे इकट्ठे इसमें डाल दिए हैं और अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने के लिए छोड़ दूंगी। बीच बीच में मैं इनको हल्का सा पलटती रहूंगी ताकि एक ही साइड से ये ज़्यादा ना पक जाएं और जले ना समोसे। तो इस तरह से धीमी आँच पर हम, मतलब धीमी भी नहीं, मीडियम आँच पर हम इन्हें ऐसे ही पकाते रहेंगे और बीच में दो तीन बार हम दोनों साइड से इनको पलटते रहेंगे। तो चलिए अब हम बना लेते हैं जब तक अपने और समोसे, और मतलब स्टफिंग वगैरह करके हम रख देते हैं ताकि जैसे ही ये निकले तभी हम अपना अगले समोसे फटाफट उसमें तेल में डाल पाए, नहीं तो तेल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो भी समोसे अच्छे नहीं बनेंगे। तो ये जितना ज़्यादा आप आटे को फैला पाएँ उतना लंबा फैला के इसको बीच में से चाकू से कर लीजिए दो पार्ट में डिवाइड, और एक पार्ट को उठा के रख दीजिए आप साइड में और दूसरे पार्ट को आप स्टफिंग के लिए यूज़ करेंगे। और जब आप स्टफिंग करेंगे उससे पहले आपको एक ट्रायंगल शेप में कोन बनाना होता है। तो कोन बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी पानी की, तो इस तरह से आप इसके किनारे किनारे पे पानी लगा के और आपको ये एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करते हुए चिपकाना है और ऐसे ये कोन स्टाइल में बन जाएगा। और फिर आपको उसके अंदर करनी है स्टफिंग, जो आपने स्टफिंग रेडी की है वो आप इसके अंदर डाल दीजिए और उसके बाद आपको फिर से ऊपर से पानी का थोड़ा सा गीला हाथ लगाकर उसको बंद करना है। उससे पहले आप आलू को अंदर तक भर लीजिए जितना मैक्सिमम आ पाए, बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना क्योंकि नहीं तो जो लेयर है वो समोसे की फट सकती है। और ये पानी का यूज़ आपको ज़रूर करना है, नहीं तो समोसे ना खुल सकते हैं बीच में। पानी से ये है कि ये अच्छे से चिपक जाएंगे और खुलेंगे नहीं। देखिए जिस तरह से मैं पानी लगा के इसको बंद कर रही हूँ, तो इसी तरह से आप अपने समोसे को बंद कर लेंगे। और अगर पानी नहीं लगाया तो कढ़ाई में आपके समोसे के खुलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ये एक ट्रिक है इसकी, और इस टाइप से मेरे ये सारे समोसे परफेक्ट शेप से हो गए हैं स्टफिंग के साथ रेडी। तो मैं इनको अभी रख लेती हूँ और हम कर लेते हैं इनको चेक कि ये हमारे पक गए हैं कि नहीं। तो अगर पक गए हैं तो हम इनको निकाल लेंगे, लेकिन नांदल साहब को ना थोड़े ज़्यादा ही पकी हुई चीज़ें पसंद हैं, तो मैंने उनको दिखाया कि भाई निकाल लूँ तो बोले नहीं नहीं थोड़ी देर और रहने दे। तो मतलब उनको पता नहीं क्यों ऐसा रहता है कि भाई और पका लो। तो चलो ठीक है, मैंने थोड़ी देर के लिए और इन्हें छोड़ दिया। वैसे आप अपने हिसाब से मतलब हल्के ब्राउन रेडिश ये हो जाएं तो आप उनको निकाल लीजिए। और ये देखिए बिल्कुल ही अच्छे से पक चुके हैं समोसे अब हमारे, और मैं इनको निकाल के आपको दिखाऊंगी, तोड़ के भी दिखाऊंगी, और जो बाहर की लेयर है वो कितनी ज़्यादा इनकी क्रिस्पी बनी है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मतलब उम्मीद से ज़्यादा अच्छे ये हमारे बन गए थे। और नांदल साहब को भी शौक चढ़ा कुकिंग का कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी बनाऊँगा ऐसे। मैं कह ठीक है भाई बनाओ। तो ये उन्होंने अपना एक बनाया है, मतलब रोटी भी खुद ही बेली है और स्टफिंग भी कर रहे हैं जैसा वीडियो में आपको दिख रहा है। तो अब ये उसको बंद भी खुद ही करेंगे, मतलब इनको भी शौक चढ़ा के भाई हाँ मैं भी कुछ हेल्प कराता हूँ। बच्चे अपना टीवी देख रहे थे तो बोले कि भाई
कुछ हेल्प करानी है तो बताओ। तो फिर मैं कह नहीं कुछ नहीं, अब तो हो गया काम। तो बोले कि चलो मैं भी सीखता हूँ आज, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, आसान है ये तो। मैं कह चलो वही कर लो अगर ऐसा है तो। और ये उन्होंने बिल्कुल अच्छा परफेक्ट शेप का बनाया था, मतलब फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने बना दिया था। और मतलब खुश हो रहे थे बना के, कि हम तो वैसे ही दुखी हो रहे थे कि कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं खा सकते। समोसे तो हम पहले भी बना के खा लेते तो मतलब आज की कुकिंग बहुत अच्छी रही, ज़बरदस्त रही। और सबसे अच्छी बात इन समोसों की क्या रही, बिल्कुल भी हैवी नहीं हुए। हम बाहर के कहीं भी कितनी भी अच्छी शॉप के जाके समोसे खा लें, अगर हमने एक समोसे से ज़्यादा खा लिया तो आप शाम तक परेशान रहेंगे, हो सकता है अगले दिन तक भी परेशान हो। लेकिन यकीन मानिए मैं तारीफ नहीं कर रही हूँ, सच में बिल्कुल भी ये समोसे ना हैवी थे, ना पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई इससे, डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक पल को भी ये नहीं लगा हैवीनेस कि भाई हमने समोसे खा रखे हैं, और मतलब गिने भी नहीं किसने कितने खा लिए, क्योंकि मतलब बहुत ही लाइट थे। और घर के खाने का बस यही एक फ़ायदा है, यही स्वाद है कि भाई मतलब घर का बना हुआ, चाहे ऑयली है चाहे कैसा भी खाना है, वो कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा, और कभी भी आपको उससे डाइजेशन में फूड पॉइजनिंग वगैरह की किसी टाइप की भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आप भी अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ एक्चुअल में जो मैं कह रही थी वो सही बात थी। तो ये देखिए मेरे समोसे बन चुके हैं, एक बार के सारे मैंने निकाल लिए हैं, और आपको इनका कलर भी दिख रहा होगा, साइज़ शेप सब कुछ दिख रही होगी। और ऐसे मैं बजा के दिखा रही थी, और ये बहुत बहुत ज़्यादा ही क्रिस्पी हैं। तो ये देखिए नांदल साहब अपना ट्राई पे ट्राई किए जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो आज वो पूरे मतलब परफेक्ट समोसे बना के ही छोड़ेंगे। तो आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, क्योंकि बहुत इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा ही इजी है, और बहुत टेस्टी भी बने थे, हेल्दी भी थे, और उतना ऑयली भी नहीं थे। इन्होंने ज़्यादा ऑयल नहीं लिया, बिल्कुल सूखे थे। देखिए प्लेट में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, और छलनी मैंने हालांकि इसीलिए ली थी कि जो एक्स्ट्रा ऑयल हो वो नीचे निकल जाए। और ये नांदल साहब पूरे मस्ती के मूड में थे आज कुकिंग के टाइम। कैसे पकड़ लो और तक देखने पकड़ते हैं। क्या टूट गया? कोई बात नहीं। जैसे जैसे ज्यादा बनते गए वैसे वैसे।
एक्सपीरियंस बढ़ता चला गया। बहुत हो गया था, जो सही लगी मुझे। अच्छा और क्या हुआ आपको? ये हमारे समोसे खाने के लिए हो चुके हैं बिल्कुल रेडी, और मैंने रेड सॉस ले ली है और ग्रीन चिली मैंने इसके साथ ली है। और ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, आप लोग भी खा लीजिए, आ जाइए। ये देखिए कितना अच्छा सुंदर सा लुक इनका आया है, मतलब क्रिस्पी दिख रहे हैं ये, और देखने से पता चल रहा है कि भाई हाँ खाने में भी ये उतने ही टेस्टी होने वाले हैं, और बिल्कुल अच्छे से पके हुए हैं ये। और देखिए मतलब बिल्कुल करारी आवाज़ इनकी आ रही थी। और एक समोसा मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बिल्कुल अंदर तक अच्छी तरह से पके हुए हैं। और ये दूसरी साइड से भी तोड़ देती हूँ मैं इसको, कहीं से कच्चापन नहीं है, बहुत अच्छी स्टफिंग भी हुई है और सिके भी अच्छी तरह हैं, और जो कलर है इनका वो भी काफ़ी अच्छा आया है, और टेस्ट में भी ये उतने ही स्वादिष्ट लगने वाले हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये समोसे कैसे लगे आपको, रेसिपी मेरी कैसी लगी, आज की वीडियो हमारी कैसी लगी। मिलजुल के हमने सब ने ये समोसे बनाए हैं और बच्चों को काफ़ी अच्छे लगे हैं, तो अभी उनके आप देख लीजिए खुद ही। नीचे रखे यो डालेगा ला ला कैसे है, पहले बताओ कैसे है कमर समोसे? अच्छे। कैसे बना रहे? अच्छे। मम्मा को डालो कमर। किसको लगूं? ये आ इधर, ये इधर आ गया, यहां से उधर उधर जा बेटी। मम्मी मम्मी पापा मेरा हमारा छोटा कौन सा? ये वाला। सारे आपकी कौन सा? ये वाला कौन सा चाहिए मेरे को बताओ। ले दे दे सर। नांदल साहब हैं, इसको टेस्टी बनाने के मूड में उन्होंने एक बाउल में समोसे तोड़ लिए हैं और उसमें ये दोनों सॉस डाल दी हैं, रेड वाली भी और ग्रीन चिल्ली भी, और उसमें दही डाल ली है और ये ऊपर से डाल लिया है अनार के दाने, और ये इतना ज़्यादा टेस्टी हो गया था, बहुत ज़्यादा। और साथ में उन्होंने डाल लिए थे इसमें
कुछ छोटे छोटे कटे हुए प्याज और टमाटर, और ये इतने टेस्टी हो गए थे और खा के हुनर कर रही थी पूरी मस्ती। तो ये इसकी डांस की वीडियो भी मैं डालूंगी किड्स चैनल पर, वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। तो